हमने बनाएंगे साबुदाने की खीर। इसके लिए हमने एक कटोरी साबुदाना लिया है जिसको चार घंटे पानी में भिगो दिया था, उसके बाद उसका पानी निकाल लिया है। आधी कटोरी हमने चीनी ली है, 6-7 हमने बादाम लिए हैं जो बारीक काट लिए हैं, 1 चम्मच हमने किशमिश ली है, 1 चम्मच चिरौंजी ली है, 1/2 चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया है, हरी इलायची का पाउडर है ये, 4-5 हमने पिस्ते लिए हैं जो बारीक काट लिए हैं, 3 कप हमने दूध लिया है, 2 कप पानी जो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें साबुदाना डाल देती हूँ, उसको ट्रांसपेरेंट होने तक मैं पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी ताकि हमारा साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। बिल्कुल एकदम से गल चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है एकदम से, अभी इसमें मैं दूध ऐड कर दूंगी। गल चुका है ये एकदम से, 3 कप दूध ऐड किया मैंने, इसको धीमी आंच पर 5 मिनट तक हम पकने देंगे, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं, अगर मीठा ज्यादा पसंद है तो थोड़ी ज्यादा चीनी ले लें। इसमें मैं किशमिश, हरी मिर्च, हरी इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर डाल दिया हमने, अभी चिरौंजी, ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम। देखिए हमारे साबुदाने की खीर बनकर तैयार है, आप इसे ट्राई कीजिए, इसको आप व्रत में उपवास में खा सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।